नमस्कार सभी का। मैंने एक पिता तुल्य गुरु खोया या एक दोस्त खोया या एक पता नहीं, बहुत चार पांच फिल्में हमने की साथ ओम जी के साथ, बड़ा भाग्यशाली रहा कि पिछले एक महीने हम लोगों के बड़े साथ भी थे। बनारस में थे, एक फिल्म कर रहे थे बनारस 2006 बॉम्ब ब्लास्ट पे फिल्म थी, तो बड़े मस्ती में थे वो। उनके दुख गम सबको पता है, मुझे भी पता थे, क्योंकि हम लोग मुझे बड़ा देसी मानते हैं कि तू तुझसे बड़ी गांव की महक आती, मुझे बोले तू बड़ा देसी मुंडा है, और मनोज भाई को जैसे बबुआ बोलते हैं मुझे भी बबुआ बोलते हैं। और ये भी हुआ कि उस दिन जो डिबेट में बड़ा हंगामा हुआ इस देश में, ये देश भी हमारा अद्भुत है, तो उस दिन मैं भी उस डिबेट में, मैं दिल्ली में बैठा था, ये लखनऊ में थे, और उसको कुछ प्रवोक करके कुछ पूछ लिया गया होगा, शूटिंग से आए थे, जबरदस्ती उनको माइक निप्पल लगा दिया होगा कि बोलिए बोलिए, तो बैठ के कुछ बोलने लगे होंगे। अवघड़ आदमी थे, अवघड़ों को छेड़ना नहीं चाहिए लेकिन छेड़ देते थे, क्योंकि वो अवघड़ यहाँ से, और कलाकार मुझे लगता है यहाँ से नहीं सोचते, वो यहाँ से सोचते, इसलिए कलाकार हो। और वो ओम जी थे, उन्होंने बोला, मैं भी था डिबेट में, मैं उनको देख रहा था टीवी पे देख रहा था, वो बात गई, उसके दो दिन बाद हमको बनारस मिला और हंगामा तब तक देश में त्राहिमाम मचा था, सब लोग करी आ रहे थे, ये है वो है फलाना है ठिकाना है, जिसको जो मन में आ रहा था बोले जा रहा। और हम लोग बनारस में, बनारस क्या मिले, हम लोग तो मुंबई एयरपोर्ट से ही साथ चले, कॉफी वॉफी पिए, तो मुझे लगा कि भाई लोग बड़ा गाली देंगे, लेकिन मैं देख रहा था कि फोटो खिंचवाने वाले की तादाद बहुत बढ़ गई और सेल्फी बहुत खिंचाए जा रहे थे लोग बनारस तक। फिर हमको लगा बनारस में हड़कंप होगा, क्योंकि इतना आग लगी हुई थी देश में कि देश दो ही आ गया, और ये फलाना फलाना बहुत सब, तो वहां देखे तो और ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। और फिर रात हम लोग साथ बैठे, अक्सर उनको ईस्ट टू डम ट्रे, वो शराब बहुत पसंद करते, उनको मजा आता था, आनंद देते थे, क्योंकि उसमें और मस्ती में आते थे, उनके अंदर का बालक है ना मिश्रा जी, मिश्रा जी हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया मिश्रा जी, और कई सालों से ओम जी के साथ हम लोग अच्छा समय बिताया। मिश्रा जी आपको बहुत प्यार करते थे पत्नी की तरह। सो रात में बैठे अचानक तो थोड़ा एक क्षण के लिए उदास हो गए, बोला अरे क्या हुआ बाबा कहाँ निकल लिए, तो बोले नहीं यार बबुआ एक गलती हो गई, वो टीवी पे हम बोलते हैं, मैं बोला छोड़ी ना हटाओ ना, बोल दिए खत्म आगे बढ़ते हैं, छोड़ी ये देश को दो दिन में सब भूल जाता है, ये देश की याददाश्त बहुत कमजोर है, दो दिन लगता है, तीसरे दिन किसी को कुछ याद नहीं, तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए देश का, बोले छोड़ी ना बोल दिया हो गया निकल गया छोड़ो हटो जिसको, तो बोले नहीं यार मैं उदास हूँ, तो मतलब तब क्या करना है, हम दोनों अकेले बैठे थे, मिश्रा जी बीच बीच में ड्रिंक सर्व कर रहे थे, बोले मुझे उस लड़ाऊ सैनिक के घर जाना जिसके बारे में मैंने बोला था, बबुआ उसके घर वाले हम पर कहीं अटैक वटैक तो नहीं करेंगे, तो मैं बोला हैं, तो इटावा था तो हम इटावा के एसपी वगैरह से बात किए, पुलिस फोर्स से बात किए यूपी में, बोला ठीक है आप चलिए, आपका बाल बांधा नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी, और उनकी पूरी पूरी सुरक्षा वगैरह करके वो वहाँ गए, 10 लाख रुपया उन्होंने उसको दिया, हमको नहीं बताए थे, वहाँ जाके फिर उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे बबुआ 10 लाख रुपया दे दिया उस सैनिक को, वहीं हवन करवाए, वहाँ जम के रोए, बोले बहुत रोए रवि, बोला ठीक है, वो रोए हुए हुए उसके बाद आए। फिर एक दिन रात हम बैठे, बोले यार मैं नसीर सर कहता हूँ, नसीर भाई कहता हूँ, भी हमारे बड़े अजीज, बोले नसीर की बहुत याद आ रही, बोला ऐसी ही रात वापस, क्योंकि बनारस काफी दिन का लंबा शेड्यूल था हमारा पिछले महीने ना मिश्रा जी, हाँ तो फिर नसीर की बहुत याद आ रही, तो बोला अरे आप ये तो मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, रूम पार्टनर रहे, रूम की किस्से कुछ सुनाए, कुछ बातें मैं नहीं बताना चाहता हूँ। तो उन्हें बोले बबुआ एक घड़ी पहनाऊ मैं,
घड़ी दिखा, ये नसीर ने दी है। मैंने जिंदगी में इसके बाद कभी घड़ी नहीं खरीदी, मैं नसीर वाली घड़ी पहनता हूँ और उसको बहुत मिस करता हूँ, वो मुझे बहुत याद आता। अब मैं उसके इतिहास, उसके डिटेल में कुछ बातें थी वो जो मैं अपने तक रखना चाहता हूँ। वो दोनों की मित्रता की बहुत बहुत सुंदर मित्रता, नसीर सर की और ओम जी की बहुत सुंदर मित्रता, वो मैंने अपने कान से सुना बेरिला की, वो मैं अपने दिल में रखना चाहता हूँ। बहुत सुंदर मित्रता और बहुत सुंदर बातचीत, कुछ मैसेजेस की बातचीत दोनों की बहुत सुंदर। तो ऐसे थे, फिर मैंने 15 दिन पहले अपने घर पर डिनर पे बुलाया और मैंने कोशिश की नसीर भाई को भी बुलाऊं और ओम जी को भी और दोनों मित्र को मिला। तो ये आ गए 9 बजे, पार्टी शुरू होनी थी मेरे घर, ये 9 ही बजे आ गए और मैं ऐसे उनके चरण छुआ, क्या स्वागत, फिर उनके स्वागत में दिशु भाई थे हम लोग ने जश्न शुरू हुआ मेरे घर। उनको मेरे घर की छत बड़ी अच्छी लगी, वो छत पे बैठे रहे और सिलसिला चलता रहा। तो मुझे बोले कि मैंने मैसेज नसीर सर तक पहुंचाया, तो शायद फिर वो बातचीत कुछ रही या नहीं रही पता नहीं, वो इंतज़ार करते रहे। सुबह 4 बजे पार्टी चलती रही और हम दिशु भाई हम लोग 3 लोग खाली बैठे रहे छत पर, और सुबह के 4 बजे और पता नहीं उनकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। लेकिन उसके बाद नीचे उतरे, गाड़ी के ऊपर चढ़ गए तो हमको लगा नेताजी खड़े हैं, हम लोग नेताजी की जय हो, नेताजी चुनाव जीते होंगे, हम और दिशु भाई की मजाक और हम लोगों की खिंचाई किए। दिशु भाई को बहुत चुम्मी मारे, मुझे बोले चल बबू आ जाता हूँ मैं और फिर मिलेंगे। और वही 15 दिन बाद मैं जहाज चढ़ रहा था गुजरात जाने के लिए, जहाज ही में हम ट्विटर पढ़े कि इज नो मोर, तो मैं ना उतर पाऊँ, दरवाज़ा बंद हो गया, मैं उनकी लास्ट रहा उसमें विजुअल्स में भी नहीं रहा। और लेकिन स्माइलिंग चेहरा रहा, मस्त रहे, बेटे को बहुत प्यार करते हैं, जिंदगी को बहुत प्यार करते हैं और बोले थे मैं बोझा नहीं बनूंगा कभी, ये बोले थे मैं बोझा नहीं बनूंगा, ऐसा तड़ से चला जाऊंगा और शौक दे दूंगा सबको। ये था उनका, ये बड़ा आनंद था, मतलब अद्भुत थे, जितने अद्भुत कलाकार उतने अद्भुत इंसान। और नहीं तो कोई सैनिक, किसी को हम लोग हजारों बातें, वो सैनिक के परिवार को जाके नहीं जानते थे, वहां जाके पैसा इतना देना, वो ऐसे ऐसे बांट रहे थे। एंड में एक पीआरओ को हम मिलवाए थे लखनऊ में, उसको 50,000 की गड्डी दे दी, वो ऐसे लग रहा था सबको मैं बांट के चला जाऊं, वो बांट रहे थे, बांटने में लगे हुए थे, आखिर में सबको सब कुछ दे देना चाहते थे। और उनको पता, बोले मैं एक छोटे से मकान में ऑकलैंड पार्क में रहता हूँ, मेरी ऑफिस थी और बस रवि यही जिंदगी, मतलब वो लेकिन बहुत अद्भुत थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ पाया उनसे और ये पाया कि सब कुछ यही रह जाता है। और आज देखिए ना, पूरा ये हाउस पैक शो, लास्ट शो भी, मतलब इनके जितने शोज होते रहेंगे ओम जी के, सब ऐसे हाउसफुल रहेंगे जैसे आप।